दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अनिल चौधरी पुलिस हिरासत में, राहुल की पेशी के खिलाफ कर रहे थे विरोध। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आज लगातार दूसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ जारी है। राहुल से सोमवार को करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई थी, जिसके बाद मंगलवार को एक बार फिर उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया गया। इसे लेकर दिल्ली समेत देश के कई अन्य जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। आज इसी मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अनिल चौधरी और अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। ये कायर मोदी, कायर सरकार, आखिर राहुल जी से डरती क्यों है? सवाल इस बात का है, हम लोग अपने नेता अपने ऑफिस जाना चाहते हैं, कैसे हमारा रास्ता रोक सकते हैं? हम अपने AICC के मुख्यालय में जाना चाहते हैं, कैसे रास्ता रोक सकते हैं? क्या हम ईडी ऑफिस जा रहे थे? हम अपने ऑफिस जा रहे थे। कल लगातार रात को 2 बजे तक कार्यकर्ताओं और नेताओं को बैठाना, ये क्या है? तानाशाही है। इसके खिलाफ पूरा देश लड़ेगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा और सत्य में जयते के तहत लड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ, इन सरकारों से, हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो आपसे क्या डरेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।